नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मिनरल किंगडम की होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका केमिकल नेम फॉस्फेट ऑफ अमोनिया है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गाउट के लिए, यूरिक एसिड के लिए, जिन लोगों का क्रोनिक यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, हाई रहता है, और उनको इस बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से नोड्स फॉर्म हो गए हैं जॉइंट्स में, उभार फॉर्म हो गए, उभार निकल आए हैं, और उनका जो यूरिक एसिड है, बहुत सारी दवाइयाँ वो ट्राई कर चुके हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग दिलाएगी ये मेडिसिन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फेशियल पैरालिसिस हो, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड हो, गाउट, क्रॉनिक गाउट हो आपको, रिमेटिज्म हो, शोल्डर जॉइंट से आवाज़ आ रही हो, नोडोट साइट्स बन गए हो स्मॉल जॉइंट्स पे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, अंत में मैं आपको मेडिसिन का नाम और उसको लेने का तरीका, कैसे आपको लेनी है, ये सब बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं YK गुप्ता आपके YouTube चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जिसको हम फॉस्फेट ऑफ अमोनिया के नाम से जानते हैं। केमिकल नेम है फॉस्फेट ऑफ अमोनिया, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और निश्चित रूप से ये एक ऐसी दवाई है जो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगी जब आपको यूरिक एसिड की बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, बहुत आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता हो, 7-8 के करीब रहता हो, और बहुत सारी मेडिसिन आप ट्राई कर चुके हों लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आपको ना मिल रहा हो। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दवाई लेते लेते रहते हैं तो रिलीफ मिलता है, बहुत सारी दवाई लेते हैं लेकिन फिर वापस बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द, रूमेटिज़्म की समस्या है, गाउट की समस्या, बहुत परेशान हैं आप उससे, बहुत पुरानी है, बहुत समय से आपको ऐसा हो रहा है, तो इस मेडिसिन को लें तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, गाउट बहुत पुरानी हो जाती है तो क्या होता है कि जॉइंट्स पे जो है कुछ उभार निकल आते हैं, जैसे स्मॉल जॉइंट्स पे, जिनको हम नोडोसाइट्स बोलते हैं, नोडोसाइट्स हो जाते हैं, जैसे पैरों के जॉइंट्स में या हाथ के जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में उभार आ गया हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। एक कंधे में दर्द हो, अगर शोल्डर पेन हो, और वहाँ से अगर ऐसे ऐसे आप मूवमेंट करते हैं तो कट कट की अगर साउंड आती है तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कंधे के दर्द में, शोल्डर पेन में, कट कट की आवाज़ आती हो, शोल्डर पेन में बहुत अच्छा रिलीफ देती है। फिर अगर आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया, मुंह का लकवा अगर हो गया हो, कई बार देखने में आता है कि मुंह का लकवा हो जाता है, तो इस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। नर्वस डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है, या न्यूरो प्रॉब्लम हो, चलने पर अगर आपके पैर लड़खड़ाते हों तो उस केस में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़, नसों की कुछ कमजोरी की वजह से अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अंदर से बहुत कमज़ोर हो गए हो और किसी काम को आप करने में मन नहीं लगता हो या कर नहीं पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पेशेंट की जो टेंडेंसी है कि वो वेरी चिली पेशेंट, हल्की सी अगर हवा का झोंका लग जाए तो सर्दी लग जाती है, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं ये पेशेंट, उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों ये मेडिसिन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको क्रॉनिक गाउट की प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन का नाम है दोस्तों अमोनियम फॉस्फोरिकम, अमोनियम फॉस्फोरिकम, अमोनियम फॉस्फोरिकम को आपको यूज़ करना है। नेम ऑफ द मेडिसिन इज़, ये इसका केमिकल नेम है अमोनियम फोस या अमोनियम फॉस्फोरिकम, क्रॉनिक गाउट की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अमोनियम फॉस्फोरिकम। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, अमोनियम फॉस्फोरिकम को आपको अगर हो सके तो 6 CH पोटेंसी में लें, इसकी 6 CH पोटेंसी की 4 बूंद दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार लें, डायरेक्टली टंग पे लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन को कम से कम 1-2 महीने तक यूज़ कीजिए तो जो आपको क्रॉनिक गाउट की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है और आपके नोडोसाइट्स फॉर्म हो गए हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। शोल्डर पेन के लिए, शोल्डर जॉइंट्स में अगर क्रैकलिंग साउंड हो उसके लिए, और ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड हो, और फेशियल अगर आपको पैरालिसिस हो, तो इन सब के लिए अमोनियम फॉस्फोरिकम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अमोनियम फॉस्फोरिकम को आप 6 CH में यूज़ करें, और अगर 6 CH में अवेलेबल आपको नहीं होती, वैसे ऑनलाइन आपको आराम से 6 CH में मिल जाएगी, तो आप 30 CH में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है।
30 CH में भी 4 बूंद इसकी सुबह शाम 2 बार आप लें, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आपको मिलेगी। अगर बहुत सारी मेडिसिन आप यूज़ कर चुके हैं गाउट के लिए, गठिया के लिए, यूरिक एसिड अगर आपका 5-6 से ज़्यादा रहता है, 7, 8, 9 तक चला गया हो, उस केस में आपको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो, स्वेलिंग हो, नोड्स फॉर्म हो गए हो, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अमोनियम फॉस्फोरिकम। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी इस मेडिसिन से रिलेटेड या इस गाउट के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।